नमस्कार, मैं हूं नरेश तनेजा और आप सुन रहे हैं इस समय navbharattimes.com के डिजिटल प्लेटफॉर्म कार्यक्रम। दोस्तों, आए दिन हम ये सुनते रहते हैं कि साइबर क्राइम, साइबर सिक्योरिटी और साइबर लॉ, ये तीन शब्द आजकल जब से ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस, ऑनलाइन एक्टिविटीज दुनिया भर में बढ़ी हैं, ये तीन शब्द हमें गाहे बगाहे बार बार सुनने को मिल जाते हैं। और समस्या ये हो रही है कि जितनी ऑनलाइन एक्टिविटीज और ट्रांजैक्शंस बढ़ी हैं, चाहे वो फेसबुक हो, व्हाट्सएप हो, ट्विटर हो, या बैंकिंग ट्रांजैक्शंस हो, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस हो, या और कोई ऑनलाइन एक्टिविटीज हो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स की, उन सबको सेंधमारी, जाने पहचाने शब्द के रूप में कहें तो हैकिंग, ये भी बढ़ गई है। और ये सब जब होता है तो साइबर लॉ, साइबर क्राइम होता है और साइबर लॉ इससे निपटता है। लॉ साइबर एक्सपर्ट जो होते हैं वो इस बारे में समय समय पर हमें जानकारी भी देते हैं और सचेत भी करते हैं। ऐसे ही एक शख्सियत हैं भारत के जाने माने साइबर लॉ, साइबर सिक्योरिटी और साइबर क्राइम के लीगल एक्सपर्ट, पवन दुग्गल जी। हालांकि टेक्निकल साइड हम उनको साइबर का एक्सपर्ट नहीं कहते, लेकिन लीगल फॉर्म होने के नाते अब उनका अनुभव, उनकी जानकारी और सबसे बड़ी बात उनका इंटरनेशनल एक्सपोजर इतना ज्यादा है कि उनकी जानकारी किसी भी साइबर एक्सपर्ट से कम नहीं है। इससे हमारे साथ पवन दुग्गल जी मौजूद हैं, जिनसे हम इस बारे में विस्तार से बातचीत करेंगे। और साथ में एक और चीज मैं आपको बता दूं कि पवन दुग्गल जी हर वर्ष एक इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस साइबर क्राइम, साइबर लॉ और साइबर सिक्योरिटी पर आयोजित करते हैं, और कल से वो शुरू भी हो रही है, हम उसके बारे में भी बात करेंगे। दुग्गल साहब नमस्कार, कार्यक्रम में आपका स्वागत है। धन्यवाद, बहुत अच्छा लग गया है सनील जी की आपके प्रोग्राम पर आकर आपसे बात करके। दुग्गल साहब, जैसा कि मैंने भूमिका में कहा कि आपका अनुभव, आपकी जानकारी और आपका जो एक्सपोजर है इंटरनेशनल बहुत ज्यादा है, तो उसी रोशनी में मैं पहले भारत स्पेसिफिक अपने देश से संबंधित सवालों को पूछूंगा और बाद में विदेशों और इंटरनेशनल स्थिति पर भी आएंगे। मैं आपसे जानना चाह रहा हूं पहले पहल कि आज भारत में साइबर क्राइम की क्या स्थिति है ब्रीफ में। आज पूरे भारतवर्ष में साइबर क्राइम की लहर दौड़ चुकी है। जब से COVID-19 का प्रारंभ हुआ है, तब से एक नया एरा शुरू हो गया है, गोल्डन एज ऑफ साइबर क्राइम शुरू हो चुकी है भारतवर्ष में। जी, वैसे तो साइबर क्राइम पिछले 50 सालों के साथ से हमारे साथ है, लेकिन जितने बड़े पैमाने पर और जितने विभिन्न प्रकार के अवतार और मैनिफेस्टेशन देकर साइबर क्राइम COVID-19 में उभर कर आया है, इसमें कोई दो राह नहीं है पूरे विशेषज्ञ में ग्लोबल लेवल पर एक नया गोल्डन एज ऑफ साइबर क्राइम शुरू हो गया है। और भारतवर्ष में कोविड से पहले हम लोग जामतारा का नाम सुना करते थे, एकमात्र इलाका होता था जहां पर साइबर क्राइम होता था। COVID-19 में लोगों की नौकरियां गई, पैसे गए, धंधा गया और उन्हें एक नया अवतार मिल गया साइबर क्राइम का, क्योंकि उन्हें लगा कि साइबर क्राइम उन्हें पैसे भी दे पाएगा और उन्हें समृद्धि भी दे पाएगा। तो जामतारा मॉडल जो है और साइबर क्राइम, वो भारत के कोने कोने में पनपना शुरू कर गया, यहाँ तक कि कॉटेज इंडस्ट्रियलाइजेशन हो गई है जामतारा मॉडल की। हर बड़े शहर, हर छोटे शहर के आसपास जामतारा मॉडल के आधार बनाते हुए समूह है, झुंड है जो साइबर क्राइम करते हैं। और आज बुनियादी तौर पर अगर आप 10 भारतवासियों से बात करें और पूछें कि क्या उनसे पैसे कभी खो गए हैं या गुम हो गए हैं या उन्होंने गवाए हैं, तो 10 में से करीबन 5.5 या 6 ऐसे भारतीय आपको मिलेंगे जो कहेंगे उन्होंने इंटरनेट पे या मोबाइल फोन पर पैसे गवा दिए। मैं इस पर दुग्गल साहब आता हूँ, लेकिन पहले छोटे छोटे दो आंसर दीजिए। एक, आपने कहा कि पिछले 50 साल से साइबर क्राइम हो रहा है, क्या पिछले 50 साल से ऑनलाइन एक्टिविटीज दुनिया भर में थी, कब से शुरू हुई है? देखिये, 1969 में सृजन हुआ इंटरनेट का, आर्पानेट के माध्यम से, एक मिलिट्री नेटवर्क था, लेकिन जिसके सृजन होने के तुरंत बाद ही हमने देखना शुरू किया कि इसमें क्रिमिनल एक्टिविटीज की का पोटेंशियल जागृत हो गया। जैसे जैसे इसका बढ़ावा मिला, इसको एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस में, विश्वविद्यालयों में अडॉप्ट किया गया, वहां वहां हमने देखा कि साइबर क्राइम धीरे धीरे पनपना शुरू हुआ। लेकिन जब तक वर्ल्ड वाइड वेब नहीं आया था, तब तक साइबर क्राइम बहुत थोड़े पर। मैं आता हूँ सर उस पर, आपने बीच में कहा जामतारा मॉडल,
थोड़ा सा हमारे सुनने वालों के लिए ये बता दें कि जामतारा मॉडल संक्षेप में है क्या और ये जगह कहाँ है और वहाँ का मॉडल क्यों फेमस है, वहां से कैसे शुरू हो गया अचानक, वहां के पढ़े लिखे या ऐसी साइबर एक्टिविटीज ज्यादा थी? देखिए, पूर्वी भारत में एक इलाका है, उसका नाम है जामतारा। कहाँ पर? पूर्वी भारत में, ईस्टर्न इंडिया में, छत्तीसगढ़ के पास। तो लाजमी सी बात है, वहां पर पूरी कम्युनिटी ने एक साथ मिलकर एक निर्णय लिया कि हम सब लोग साइबर क्राइम करेंगे और एक दूसरे को मदद करेंगे, एक दूसरे को प्रोटेक्ट करेंगे, पुलिस को अंदर नहीं आने देंगे, अपने इलेक्ट्रॉनिक पद्धतियों को मिटाते चलेंगे और समृद्धि लेकर आएंगे अपने इलाके को। ये बुनियादी एक मॉडल था जो धीरे धीरे बहुत ज्यादा कामयाब हो गया इस इलाके में, यहाँ तक कि प्रत्येक व्यक्ति कई लाखों रुपए प्रति माह कमाना कब से शुरू हुआ आपके हिसाब से अंदाजन? देखिए, जामतारा को लगभग शुरू हुए दशक हो चुका है ऑलरेडी, लेकिन फिलहाल 5-6 सालों पहले ही उसके बारे में ज्यादा रोशनी, ज्यादा लाइमलाइट आपको पब्लिक डोमेन में। तो मैं आपसे ये पूछता हूँ कि साइबर क्राइम करने के लिए आदमी का पढ़ा लिखा होना जरूरी है, क्या जामतारा इलाके के लोग सभी पढ़े लिखे वेल एजुकेटेड है, साइबर से भी अडॉप्टेड है? देखिए, आप साइबर क्राइम करने के लिए बहुत ज्यादा पढ़े लिखे होने की आवश्यकता नहीं, आप साक्षर हो जाएं, आप टेक्नोलॉजी को समझ पाए, ये बुनियादी एक बार क्राइटेरिया होता है। एक बार वो आप फुलफिल कर लें, चाहे आप अनपढ़ भी हैं लेकिन आपको पता है कि मोबाइल को ऑपरेट कैसे करना है, लोगों को ठगना कैसे है, उनकी जेब से पैसे कैसे निकालने हैं, तो आप अपने इस काम में माहिर हो जाए। अच्छा, अब जबकि आप कह रहे हैं कि जामतारा मॉडल सबकी नजरों में आ चुका है, कुख्यात हो चुका है, डिफेम हो चुका है, तो अब उन पर कोई धाड़ मार के कुछ उन पर कुछ कब्जा पाया गया कि काबू कम एक्टिविटीज हुई है कि नहीं वहाँ? देखिए, वहां पर एक्टिविटीज धीरे धीरे प्रयास किया जाता है, लेकिन क्योंकि पूरी कम्युनिटी इस पूरे साइबर क्राइम से इतना ज्यादा इकोनॉमिकली बेनिफिट करती है तो कहीं ना कहीं पॉकेट्स नजर आते रहते हैं। लेकिन हुआ क्या कि जामतारों को आपने प्रेरणा बनाते हुए देखा कि अलग अलग लोगों ने जामतारा मॉड्यूल को अपने लोकल इलाकों में शुरू कर दिया। तो जैसे यहाँ पर उत्तरी भारत में मेवात किस्म की जगह है, मेवात नाम की, वहां पर अब देखा जाता है बहुत जबरदस्त गढ़ बन गया है साइबर क्राइम का। अधिकांश साइबर क्राइम उत्तरी भारत में जो होते हैं, हरियाणा में जो मेवात है, हरियाणा में मेवात है, वहां पर काफी बड़ा गढ़ बन चुका है। अच्छा, मैं आपसे एक बात पूछता हूँ छोटी सी, कि आज साइबर क्राइम के आंकड़े क्या होंगे भारत में प्रतिवर्ष के हिसाब से? देखिए, भारतवर्ष में कोई साइंटिफिक आंकड़े साइबर क्राइम के नहीं है। वजह? क्योंकि हमारे यहाँ कोई साइंटिफिक स्टडी हुई नहीं, केवल हमारे पास जो आंकड़े हैं वो राष्ट्रीय साइबर एनसीआरबी यानी कि नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो के आंकड़े हैं। लेकिन हमारे यहाँ एक आईटी मंत्रालय डेडिकेटेड है और प्रधानमंत्री ने प्लास्टिक मनी की भी शुरुआत की, उसके बावजूद कोई आंकड़े नहीं इकट्ठा करने की संस्था बनी? देखिए, संस्था एकमात्र है वो है एनसीआरबी यानी कि नेशनल क्राइम ब्यूरो, लेकिन ये आंकड़े वो इकट्ठे करती है जितने एफआईआर दर्ज हुए। जी, ये आंकड़े वो इकट्ठे नहीं करती कि कितने साइबर क्राइम हुए। अच्छा, मैं इसमें एक चीज जोड़ता हूँ दुगल साहब, कि आपने क्या ऑब्जर्व किया इतने वर्षों में कि साइबर क्राइम, बस छोटे छोटे बताइए कि किस कितनी तरह के कौन कौन सी वैरायटी है, क्या आप बताएंगे एक साइबर क्राइम ऐसा भी है, ऐसा भी है, ऐसा भी है? साइबर क्राइम की मुख्य तौर पर तीन श्रेणियां या कैटेगरीज होती है। पहला होता है साइबर क्राइम अगेंस्ट प्रॉपर्टी, अगेंस्ट प्रॉपर्टी संपत्ति, अगर आप किसी प्रॉपर्टी को टारगेट करते हैं, जैसे हैकिंग क्रैकिंग हो गया, जब आप कंप्यूटर के अंदर विद्यमान कोई प्रॉपर्टी है, डेटा है, उसको टारगेट करते हैं, मोबाइल में होता है ऐसे भी। सेकेंड कैटेगरी होती है साइबर क्राइम अगेंस्ट पर्सन, जहां किसी व्यक्ति विशेष को टारगेट करते हैं, जैसे साइबर स्टॉकिंग हो गया, साइबर बुलिंग हो गया, साइबर हैरेसमेंट, साइबर न्यूसेंस हो गया। तीसरी श्रेणी होती है साइबर क्राइम अगेंस्ट नेशन, जहां आप किसी राष्ट्र विशेष को टारगेट करते हैं, फिर होता है साइबर वॉर, साइबर टेररिज्म, साइबर रेडिकलाइजेशन। तो आपने कहा कि ऐसा जो ये कैटेगरी फर्स्ट में आ जाते हैं फाइनेंशियल जो फ्रॉड्स हैं, फाइनेंशियल वो बैंकिंग से पैसे निकालना है किसी का, वो फर्स्ट कैटेगरी में आ जाते हैं। आप ये बताइए कि इसके कारण क्या होते हैं, ओनली हैकिंग हैकर ही कर सकता है इस काम को, फ्रॉड को, या कैसे होता है ये सब फाइनेंशियल फ्रॉड या दूसरे तीनों कैटेगरीज में? देखिए, फाइनेंशियल फ्रॉड होने के लिए आप व्यक्ति विशेष को टारगेट करते हैं, क्योंकि आप उसकी मानसिकता के साथ खेलते हैं, उसके विश्वास ढूंढ लेते हैं, उसका बस जीतने का प्रयास करते हैं। मसलन आपको कॉल आ जाएगी कि मैं रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से बोल रहा हूँ, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आपको 50 लाख रुपए का नाम दे रही है,
जैसे अपना बैंक अकाउंट दीजिए, अपना पिन दीजिए, अपना क्रेडेंशियल दीजिए, और अधिकांश भारतवासी उस जो टेम्पटेशन होता है उस फल में फंस जाते हैं। कई बार आपको कॉल आता है मैं बैंक से बोल रहा हूँ आपके, अगर आपका अकाउंट वेरीफाई नहीं किया KYC के माध्यम से तो आपके पैसे सब खत्म हो जाएंगे। आजकल नया ट्रेंड आ गया है, आपको फोन आता है कि आपका बिजली का बिल खत्म, बिजली कट जाएगी आज रात को 9 बजे, तो आप कृपया इस लिंक पर क्लिक करें, जैसे उस लिंक पर क्लिक करेंगे इससे संबंधित मैसेज भी आते होंगे ना सिर्फ फोन के अलावा? तो जी हाँ जी, फोन भी आते हैं, मैसेजेस भी आते हैं, अगर आप उनको विश्वास करेंगे, क्लिक कर लेंगे या वेबसाइट पे जाएंगे, आप पाएंगे कि आपका जो पैसा है वो आपसे लुप्त हो जाएगा। अच्छा, तो आप ये बताइए कि इसके कारण क्या है हैकिंग होने के? हैकिंग होने के बहुत सारे कारण है, आज तो मुख्य कारण पैसा है। हर हैकर चाहता है कि मैं अल्टीमेटली आपसे पैसा ले सकूं, या आपके पैसे उड़ा सकूं, कि फाइनेंशियल डिटेल्स हैक करके आपका डेटा चुरा सकूं और उसको मैं मोनेटाइज कर सकूं। अल्टीमेटली डेटा पैसा है और पैसा ही एकमात्र इन्फ्लुएंसिंग फैक्टर है हैकर्स के लिए। गूगल सर, आपने ऑब्जर्व किया है क्या इस बात को कि आज ऑनलाइन या यूट्यूब पर बहुत सारे ऐसे वीडियोज होते हैं कि फलां की जानकारी लें, हैकिंग सिखाते हैं, जिसमें बकायदा आप कि भाई आप किसी के बारे में जानना चाहते हो कहां गया क्या हुआ तो ये करें ये करें, क्या आपको नहीं लगता कि फिर हमें सिक्योरिटी और बड़े हित को देखते हुए, देश के लोगों के हित को देखते हुए, इन चीजों पर बैन लगाना चाहिए कि वहां सिखाने वाली चीजें आए ही ना? इंटरनेट पर आप बैन लगा ही नहीं सकते क्योंकि इंटरनेट ग्लोबल फिनोमेनन है, और आप बैन लगाएंगे तो इंडिया में लगाएंगे, इंडिया के बाहर तो लगा नहीं सकते। नहीं, मैं इंडिया की बात कर रहा हूँ, जो इंडिया में यूट्यूबर्स हैं देखते हैं या जो इंडिया के लोग भी अपलोड कर रहे हैं इस तरह की चीजें, क्या उन पर कार्रवाई नहीं होनी चाहिए, उन पर रोक नहीं लगानी चाहिए? कार्रवाई की जा सकती है, उसके लिए पॉलिटिकल विल की आवश्यकता है, कुछ कानून के प्रावधान है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट है, उसके तहत भारतीय दंड संहिता के तहत एक्शन लिया जा सकता है, लेकिन हालांकि वो प्रैंक के रूप में सिखाते हैं, लेकिन उससे लोगों का जो 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 गलत मानसिकता वाले हैं वो सीख कर तो नुकसान करते ही है ना उससे? बिल्कुल, उसमें कोई दोराह नहीं। अच्छा, दूसरा मैं आपसे ये कहता हूँ कि आज हमारे देश में साइबर लॉज की क्या स्थिति है? भारत में साइबर लॉ 22 साल पहले बना था, भारत का इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट यानी कि सूचना प्रौद्योगिकी कानून जी। ये कानून हम लोगों ने केवल एक बार 2008 में संशोधित किया, इसके 14 साल हो गए हम इस कानून को अमेंड नहीं कर पाए हैं। टेक्नोलॉजी बहुत तेज रफ्तार से बढ़ चुकी है, इस कानून को अमेंड करने की आवश्यकता है, और आवश्यकता है कानून को समय के अनुसार जो टेक्नोलॉजी की डेवलपमेंट होती है उसके साथ तारसंगत किया जा सके। ये कानून हमारे इलेक्ट्रॉनिक माध्यम को कानूनी मान्यता प्रदान करता है, एक आधार बनाता है लीगल फ्रेमवर्क, इसके आधार पर इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स गवर्नेंस को भारतवर्ष में इतनी जबरदस्त बढ़ावा और बढ़ोतरी मिली है, और अल्टीमेटली विभिन्न प्रकार के साइबर क्राइम्स को भी परिभाषित करता है जिसमें सजा का प्रावधान है और साथ ही साथ जुर्माने का प्रावधान भी है और साथ ही साथ सर्विस प्रोवाइडर्स की जिम्मेवारियों को भी परिभाषित करता है। दुगल साहब, आप इतने बड़े विशेषज्ञ हैं एक साइबर लॉ के, जरा दो बातें संक्षेप में बताइए कि आपको इस लॉ में क्या कमी लगती है और आपने कहा कि सुधार होना चाहिए, तो क्या सुधार होना चाहिए इसमें? इस लॉ में सबसे बड़ी कमी यह है कि कानून 2000 में बना था और ये ई कॉमर्स को बढ़ावा देने के लिए बना था, लेकिन ये कानून को संसद ने कहा कि ये स्पेशल लॉ बन जाएगा, और अगर भारत में कुछ भी आप इलेक्ट्रॉनिक माध्यम का इस्तेमाल करेंगे तो आपको इस कानून के प्रावधानों का पालन करना पड़ेगा। तो लाजमी सी बात है, ये एक मदर लेजिस्लेशन बन गया है, लेकिन इसमें बहुत सारी चीजें हमने कवर नहीं कर रखी, गलत जो उभरते हुए साइबर क्राइम्स हैं वो उसमें कवर नहीं है। दूसरी बात, सोशल मीडिया के विभिन्न पहलू इस कानून में कवर नहीं है, जो मैंने अभी कहा कि यूट्यूबर्स हो वो। और तीसरी बात, जो आज की तारीख में सर्विस प्रोवाइडर्स की जो लाइबिलिटी है उसको ज्यादा सख्त करने की आवश्यकता है, क्यों? क्योंकि अधिकांश सर्विस प्रोवाइडर्स, आप देख लीजिए, भारत का कानून मानते नहीं है, आपके बरखिलाफ कुछ लिखा जाए अब वो चीजें हटाते नहीं है, आपको जाते हैं, तो कहीं ना कहीं इन सर्विस प्रोवाइडर्स को ज्यादा अकाउंटेबल और जवाबदेह बनाना जरूरी है, और साथ ही साथ इस कानून को इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज की संदर्भ में आपको ज्यादा तारसंगत करना पड़ेगा, ताकि इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो गया, ब्लॉकचेन, इंटरनेट ऑफ थिंग्स हो गया, उनके सिद्धांतों के साथ भी इस कानून को ज्यादा टॉपिकल बनाना पड़ेगा। तो
बहुत सारे पहलू हैं जहां पर कानून में नए संशोधन कर इसको टॉपिकल और रेलेवेंट बनाना पड़ेगा। मतलब सर्विस प्रोवाइडर पर भी शिकंजा तो कसना पड़ेगा, कोई दो राय नहीं। अच्छा, अभी एक छोटी छोटी दो चीजें निकल के आती हैं। साइबर सिक्योरिटी को अगर आप बता चुके हैं तो वो अलग बात है, हमारे देश में कैसे मजबूत किया जा सकता है और आपके अनुसार? देखिए, हमारे यहाँ साइबर सुरक्षा को लेकर कोई कानून मौजूद नहीं है, और जो भारत का सूचना प्रौद्योगिकी कानून है वो साइबर सिक्योरिटी की परिभाषा तो देता है, लेकिन केवल कॉस्मेटिक प्रोविजन डालता है, इफेक्टिव कारगर प्रोविजन वहां पर मौजूद नहीं है। तो आवश्यकता है कि भारत या तो अपने कानून को संशोधन करे और इसमें साइबर सिक्योरिटी के प्रोविजन लेकर आए। अगर वो संशोधन नहीं करना चाहता तो भारत के पास एक दूसरा विकल्प है कि वो एक डेडिकेटेड नया साइबर सुरक्षा का कानून ला सकता है। तो देखिए, दुनिया भर में विभिन्न राष्ट्र आज अग्रसर हो रहे हैं अपने नए राष्ट्रीय साइबर सिक्योरिटी लॉज लेकर। भारत को वहां पर बहुत काम करने की जरूरत है, क्योंकि साइबर सुरक्षा को ना केवल आपको टेक्निकली डील करना पड़ेगा बल्कि लीगली भी डील करना पड़ेगा। टेक्निकली तो आप कर सकते हैं, फायरवॉल लगा सकते हैं, एंटीवायरस लगा सकते हैं और आप सिक्योरिटी प्रैक्टिसेस का पालन कर सकते हैं, लेकिन जब तक लीगल इनेबलिंग प्रावधान और फ्रेमवर्क उपलब्ध नहीं होंगे जो लोगों को इफेक्टिव रेमेडी प्रदान कर पाए, तब तक एक राष्ट्र होने के नाते हम पूरी तरीके से आगे सही दिशा में नहीं बढ़ पा सकते। दुगल साहब, एक इस बारे में एक छोटा सा सवाल रह गया है, आम आदमी आपके अनुसार अगर अपने फोन, अपने कंप्यूटर या जो तीनों श्रेणियां आपने बताई हैं, वो तो एक नेशनल सिक्योरिटी तो एक अलग है, आम आदमी के लेवल पे हैकिंग रोकना चाहे, अपने आप को साइबर क्राइम से बचा के रखे कि कोई अटैक ना करे, उसके लिए उसको क्या सावधानियां 1, 2, 3, 4 बरतनी चाहिए? आम आदमी के दृष्टिकोण से उसे कुछ बेसिक सावधानियां बरतनी जरूरी है। पहली बात, मान लीजिए इंटरनेट एक ऐसा प्रकरण है जो ना तो कभी सोता है ना कभी कुछ भूलता है, तो इंटरनेट पर हर प्रकार की जानकारी प्रकाशित ना करें, केवल नीड टू नो बेसिस पर जानकारी प्रकाशित करें। दूसरी बात, इंटरनेट पर किसी भी जानकारी पर विश्वास ना करें जब तक आप उसकी इंडिपेंडेंट कोरोबोरेशन या वेरिफिकेशन इंटरनेट के माध्यम से ना कर सके। तीसरी बात, अपने कंप्यूटर सिस्टम को, अपने मोबाइल फोन को अच्छा सुरक्षित रखें, अच्छा फायरवॉल डालें, अच्छा एंटीवायरस डालें, ताकि आपका कार्यक्रम, आपका जो डिवाइस है उसका डेटा जो है वो सुरक्षित रह सके। चौथी बात, किसी भी अनावश्यक व्यक्ति से आया हुआ जानकारी या रिकॉर्ड या लिंक क्लिक ना करें, केवल जिन लोगों को आप जानते हैं उन्हीं के मैसेजेस खोलिए, दूसरे मैसेज ना खोलें। अनजान लोगों पर विश्वास ना करें ऑनलाइन, अगर ऑनलाइन ट्रांजेक्शंस करते हैं तो कृपया हर 3 दिन में अपना ऑनलाइन ट्रांजेक्शन का स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट पढ़ लें, ताकि कोई देख लें अनावश्यक ट्रांजेक्शन तो नहीं है। और पासवर्ड भी चेंज करते रहें, पासवर्ड तो आपको हर 3 दिन, हर 5 दिन में एक बार जरूर बदलना चाहिए। अच्छा, हर 3-5 दिन में? क्योंकि देखिए, आज के पासवर्ड अगर आप साल साल बाद नहीं बदलेंगे तो आपका पासवर्ड को तोड़ना बच्चों का खेल है। और कोशिश करें पासवर्ड को अल्फा न्यूमेरिक रखें, कुछ अक्षर रखें, कुछ नंबर रखें, और मैं तो कहता हूँ आप, हम सब भारतवासी हैं, भारतीय भाषा में आप अपने पासवर्ड बनाइए, उनको तोड़ना बहुत ज्यादा मुश्किल होता है। मसलन आज आप हिंदी में बात कर रहे हैं तो अपने पासवर्ड को हिंदी में सोचिए, आभाषा न्यूमेरिकल 1, 2, 3 और चिन्ह बना दिए हैश, ये सब ऐसा कुछ इस तरह काम कर दें। लेकिन सर, ये जो आपने बताया भारतीय भाषा, वो ATM के पर हिंदी भाषा काम करेगी इस तरह से पासवर्ड के लिए? देखिए, वो तो पासवर्ड तो वहां पर न्यूमेरिकल ही रहेगा, तो आपको न्यूमेरिकल ही लिमिटेड एंगल से आपको बनाना पड़ेगा, लेकिन जहां पर अब आप वेबसाइट पे जाते हैं। अच्छा, तो वहां हिंदी भाषा आप कह रहे हैं कि उसको तोड़ना बड़ा मुश्किल होता है पासवर्ड को? क्योंकि देखिए, अधिकांश तौर पर हैकर जो है एंग्लो सैक्सन भाषा में, यानी कि अंग्रेजी भाषा पर फोकस करते हैं, तो अगर आपका पासवर्ड कोई पंजाबी में हो या कोई बंगाली का शब्द हो, उसको गेस करना ही बहुत बड़ी चुनौती होती। अच्छा, तो यानी आप किसी के नाम पर रखते हैं तो भारतीय भाषा में नाम भी लिख सकते हैं पासवर्ड के रूप में, मतलब वो चलेगा? कुछ भी लिखना चाहे, लेकिन अपना नाम ना लिखें, अपने परिवार का। हाँ, मतलब जो भी कुछ लोग नाम रख देते हैं किसी चीज का। जी हाँ। अच्छा, दूसरा हाँ जी हाँ बोले बोले। बहुत लोग एडमिन ही पासवर्ड लिखते हैं, वो मत रखें, 1, 2, 3, 4 रखते हैं, वो कृपया ना रखें, क्योंकि वो थोड़ा एकदम बच्चों का खेल है। अच्छा, कुछ लोग कहते हैं कि अगर आप अपने मोबाइल की स्क्रीन को पासवर्ड लगा देते हैं तो फिर दूर बैठे हैकर के लिए उस पर पहुंचना मुश्किल है, क्या ये सच है? क्योंकि वो तो अंदर से काम करेगा। देखिए, अंदर घुसने से पहले उसको पहले आपका डिवाइस घुसना पड़ेगा, तो अगर आपके डिवाइस में अच्छा एंटीवायरस है, अच्छा फायरवॉल है, तो फायरवॉल प्रिवेंट करेगा। नहीं, मैं पासवर्ड की बात कर रहा हूँ, अगर स्क्रीन पर पासवर्ड लगाते हैं तो मैनुअली आप किसी का फोन लेकर
चेक करते हैं वहां तो आप रुक सकते हैं, लेकिन दूर बैठा जो बंदा हैकर है वो आपके मोबाइल के अंदर घुसता है तो ये पासवर्ड काम आता है वहां क्या लगाया हुआ स्क्रीन पर? उसने घुसना है तो वो तो इंटरनेट के थ्रू घुसेगा। हाँ मतलब दूर के हैकर को नहीं रोकेगा ना? उनके पास आज बहुत नए टूल्स हैं अंदर घुसने के। दुगल साहब आप हर साल एक सेमिनार या कॉन्फ्रेंस भी आयोजित करते हैं इंटरनेशनल लेवल पर, जो एक्सपर्ट्स होते हैं इस फील्ड के हैकर्स होते हैं उनको लेके 2-3 दिन का सम्मेलन भी करते हैं, उसमें एक भारतीय चैप्टर भी रहता है एक इंटरनेशनल चैप्टर भी रहता है, तो इसका पर्पस क्या है? देखिए आज इंटरनेट हम लोगों की जिंदगी का हिस्सा बन चुका है जी। लेकिन आज साइबर लॉ, साइबर क्राइम और साइबर सुरक्षा हर व्यक्ति के जीवन को छूता है, हम लोगों को पता हो या ना हो, हम उस पर ध्यान दें या ना दें। तो 9 साल पहले मैंने एक आइडिया बनाया कि देखिए ये एक उभरता हुआ डिसिप्लिन है तो क्यों ना हम एक अंतर्राष्ट्रीय कॉन्फ्रेंस का प्रारंभ करें जो मुख्य तौर पर साइबर लॉ, साइबर क्राइम और साइबर सुरक्षा के बीच में जो इंटरसेक्शन है उस पर मुद्दों पर मतलब एग्जामिनेशन करें, डिस्कशन करें, डिलिबरेशन करें और फिर रिकमेंडेशन निकाल कर लेकर आए। तो हमने 2014 में शुरू किया था, तब से लेकर आज 9 साल हो गए हैं और ये 10वां एडिशन है इस इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन साइबर लॉ, साइबर क्राइम और साइबर सिक्योरिटी का। दुगल साहब आप इतना बड़ा सम्मेलन आयोजित करते हैं, इसमें बड़े बड़े इंटरनेशनल लेवल के लोग एक्सपर्ट भाग लेते हैं, तो इसके नतीजे या परिणाम क्या निकलते हुए आपने देखे अब तक? देखिए हम हर साल इस कॉन्फ्रेंस को टॉक शॉप नहीं बनाते, हर साल इस कॉन्फ्रेंस के विभिन्न जो सेशंस होते हैं उसे रिकमेंडेशंस निकलती हैं, तो रिकमेंडेशंस को निकाल के एकत्रित करते हैं और कॉन्फ्रेंस आउटकम डॉक्यूमेंट प्रस्तावित करके पास करता है। एक बार जो आउटकम डॉक्यूमेंट हो जाता है उसमें तमाम सारे सेशंस के रिकमेंडेशंस सम्मिलित होती हैं और इन रिकमेंडेशंस को न केवल यूनाइटेड नेशंस को, अंतर्राष्ट्रीय ऑर्गेनाइजेशंस को, अलग अलग सरकारों को, बल्कि भारतीय सरकार और विभिन्न डिजिटल स्टेक होल्डर्स को शेयर किया जाता है। के साथ दुनिया भर के विशेषज्ञों ने ये बात मनन करके इन रिकमेंडेशंस को दिया है, आप इसको देखें और इस पर कार्रवाई करें। और धीरे धीरे हमने देखा कि इसकी कॉन्फ्रेंस की बहुत एक अद्भुत भूमिका रह चुकी है, क्योंकि ये कॉन्फ्रेंस के जो रिकमेंडेशंस आते हैं वो अधिकांश तौर पर जो गवर्नमेंट्स होती हैं, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं, यूनाइटेड नेशंस की ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं, वो इंतजार करती हैं कि इनमें से क्या निकल के आ रहा है, मतलब अमल हो रहा है, आप कहना चाह रहे हैं ना ये बात? जी देखिए धीरे धीरे एक छोटा ही सही क्यों ना लेकिन एक अपना योगदान ये कॉन्फ्रेंस कर रही है ताकि साइबर लॉ, साइबर क्राइम और साइबर सुरक्षा से संबंधित जो स्टूडेंट्स है उसकी डेवलपमेंट हो सके, लोगों को सशक्त किया जा सके और पूरा हम एक ग्लोबल इकोसिस्टम इंटरनेट का बना सके जो सिक्योर भी हो, सुरक्षित भी हो और रिलायंट भी हो। मैं आपसे 2 लास्ट के सवाल पूछता हूँ, पहला तो मुतल्लिक है इस कॉन्फ्रेंस के कि आपको क्या लगता है कि भारत के मुकाबले इंटरनेशनल लेवल पर विदेशों में जो साइबर क्राइम, साइबर लॉ और साइबर सिक्योरिटी की क्या पोजीशन है आज? देखिए आज पोजीशन काफी खराब है भारत के मुकाबले और कंट्रीज में तो और बुरा हालत है। भारत तो एक बहुत अग्रणी राष्ट्र है और बहुत जबरदस्त काम कर रहा है, क्योंकि एक तो भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की अपनी बहुत जबरदस्त डिजिटल विजन है और उसी की विजन के माध्यम से आज भारत परिवर्तित हो रहा है एक डिजिटल राष्ट्र होने के नाते। तो भारतवर्ष में तो बहुत कटिंग एज डेवलपमेंट चल रही है, लेकिन जब मैं भारत की तुलना अन्य राष्ट्रों से करता हूँ, लीस्ट डेवलपिंग कंट्री से करता हूँ, तो वो अधिकांश लोग भारत को एक रोल मॉडल समझते हैं, देखते हैं भारत में क्या हो रहा है। अच्छा भारत में कामयाब हो गया तो चलिए हम भी उसको फॉलो करते हैं। और देखिए 2023 में तो भारत दुनिया का सबसे बड़ा जनसंख्या का राष्ट्र होने वाला है। यानी आप ये कह रहे हैं कि आज डिजिटल फील्ड में, साइबर सिक्योरिटी, साइबर लॉ के मामले में भारत, या क्राइम के मामले में भी दूसरे देशों के मुकाबले भारत की स्थिति काफी अच्छी है? भारत अन्य देशों की तुलना में ज्यादा आगे है। अच्छा मैं एक सवाल का लोग छोड़ नहीं पा रहा हूँ, हालांकि आपने शुरू के प्रश्नों के उत्तर में उसका दिया था लेकिन बार में दिमाग में स्ट्राइक कर रहा है। आपने कहा कि जब से कोरोना की वेव चली है भारत में या मतलब इंटरनेशनली, तो तब से साइबर क्राइम बढ़ा है, आप जरा उसका ब्रीफ में कारण बताएंगे, कोरोना से साइबर क्राइम का क्या लेना देना? देखिए जब से कोरोना आया, कोरोना काल में दो चीजें हम लोगों के डेली लाइफ का हिस्सा बन गई, एक था डर, दूसरा था पैनिक, और ये डर और पैनिक को ही हथियार बनाया साइबर क्रिमिनल्स ने। कैसे? और लोगों को टारगेट करना शुरू किया, उनके अकाउंट्स खाली करने शुरू किए। नहीं कैसे? फाइनेंशियल फ्रॉड्स कोरोना में मतलब ये कैसे बढ़ गए? देखिए कोरोना काल में बहुत सारे लॉकडाउन रहे,
लॉकडाउन में लोगों के पास एकमात्र ही रास्ता था ऑनलाइन परचेजिंग का, तो ऑनलाइन परचेजिंग लोग करते रहे थे, लेकिन साइबर सुरक्षा पर बहुत ज्यादा ध्यान नहीं दे रहे थे। साइबर क्रिमिनल्स ने इसी मौका काढ़ा और कहा कि साहब आइए इनको टारगेट करते हैं, उनकी गफलत का, उनके डर का फायदा उठा लिया, लिंक भेजकर कुछ करके। बिल्कुल, और पूरे कोरोना काल में तीन सबसे महत्वपूर्ण मैं देखता हूँ साइबर क्राइम उभर के आए हैं ग्लोबली और भारत में भी, एक होता है आइडेंटिटी थेफ्ट, दूसरा है फाइनेंशियल फ्रॉड ऑनलाइन, और तीसरा है फिशिंग। वो भारतवर्ष में लोग विश्वासी हैं, विश्वास कर लेते हैं और बाद में बाद क्राइम के शिकार हो गए। दुगल साहब, आपने इतने व्यस्त अपने करिकुलम के चलते हुए भी आपने navbharattimes.com को समय दिया, इसके लिए आपका धन्यवाद। दोस्तों, ये थे देश के प्रख्यात साइबर लॉ, साइबर सिक्योरिटी और साइबर क्राइम के लीगल एक्सपर्ट पवन दुग्गल जी, जो सुप्रीम कोर्ट में एडवोकेट भी हैं। ये बता रहे थे कि आपको हैकिंग से अगर बचना है तो आप नीट, जितनी हो आपकी जरूरत हो उतना ही ऑनलाइन और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स का इस्तेमाल करें, उससे ज्यादा ना करें क्योंकि उसमें फिर जाल में फंसने के चांसेस बढ़ जाते हैं। दूसरा, उन्होंने कहा कि अगर कोई अननोन सोर्स से लिंक वगैरह आता है, कोई कॉन्टेक्ट करता है, तो उस पर आप बिल्कुल ध्यान ना दें। तीसरी महत्वपूर्ण बात उन्होंने ये कही कि भारत में ना तो साइबर क्राइम के या साइबर लॉ से संबंधित, साइबर क्राइम से संबंधित आंकड़ों का कोई अलग से संकलन किया गया है, और इस बारे में नया लॉ भी लाना जरूरी है या कम से कम पुराने लॉ को ही सुधार कर लाना है। लेकिन हैरानी की बात एक ये दिखाई पड़ती है कि देश में जब आईटी मिनिस्ट्री अलग से मौजूद है और सरकार उस पर बड़ी चिंतित भी रहती है साइबर मामलों में और उसको बढ़ावा भी देती है साइबर से एक्टिविटीज में, तो फिर क्यों नहीं देश के कानून में जो वांछित सुधार और बदलाव हो पा रहे हैं। अगले कार्यक्रम में किसी और विशेष मेहमान के साथ आपकी मुलाकात कराएंगे। नमस्कार, धन्यवाद।